तो जैसा आपने पूछा कि की फैक्टर में क्या होता है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जैसे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखने की कोशिश करी कि भाई हम लोग प्रॉफिट पे डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो। तो ऑल टॉप लेवल मैनेजर्स, मैनेजमेंट पीपल ऑलवेज टेक द डिसीजन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, कंसिडरिंग ओनली द वेरिएबल कॉस्ट इनटू देयर अकाउंट, एंड एन नॉट ऑन दैट ऑल्सो। सर यू तो आर नॉट ऑडिबल एट ऑल। है, अरे हाँ सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बहुत लो है आपका आवाज। इतना ज्यादा वॉल्यूम है, आई थिंक देयर सर कुड बी सम प्रॉब्लम फॉर यू, बट आई डोंट थिंक नहीं सो नहीं फॉर अदर। सर, लास्ट नहीं सर सर, लास्ट नो सर, सच सर आवाज बहुत लो आ रहा है। लास्ट 3-4 लेक्चर से ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा नहीं बराबर आ रहा है नाउ आवाज। नाउ टेल मी, बिकॉज मॉर्निंग आई टेक द लेक्चर, नोबडी कंप्लेन्स। नहीं सर, माइक आगे लेके बोलो ना, ये आपका आवाज ही नहीं आ रहा है बहुत बार। हाँ सर, इवन आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। मैं सर मैंने खुद नहीं ईयरफोन से डाले फिर भी आवाज। नाउ इज इट ओके, अभी ठीक है? यस हाँ सर, सर बेटर है। यस यस सर, थोड़ा हाँ सर थोड़ा बेटर है। ही, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग दैट व्हेन वी हैव लर्न दिस मार्जिनल कॉस्टिंग इन आवर सिलेबस ऑफ सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, एंड वंस अगेन आई वांटेड टू रिकलेक्ट एंड रिमेम्बर यू। द डिसीजन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स, सीईओ, सीएफओ और डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे नेवर टेक ऑन प्रॉफिट। मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेक द डिसीजन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली गिव देम what is break even, what is profit is to be expected, or what could be the sales, and if sales are desired profit, or break even in unit, or sales are desired profit in unit, or margin of safety, how effective my entire business is, how much is the actual gap which we look forward for getting the safeguarding our business. So what is the margin we have, to what extent my business is safe, so on and so forth. But many a time we found in that also there is something which is very extreme into it, and they are called as key factor. Suppose we got the your contribution of three different products. I have given you this example also, and today we will be going to solve this example also, as it has been asked by one of the students, Jalpa, if I'm not wrong, related to the exam. So I just wanted to refer the same thing. Achha, but there were no extra questions, I mean options nahi tha aapke paas? नो सर, 20 वाज 20 क्वेश्चन एंड कंपलसरी। थोड़ा गड़बड़ हो गया सर से। मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और यहाँ पे लेबर एज अ की फैक्टर है कि भाई लेबर की स्कैर्सिटी, की फैक्टर मतलब दैट इज स्कैर्सिटी इन नेचर, उसका कम, वो जितना चाहिए उतना नहीं है मेरे पास। तो इन सच केसेस व्हाट वी विल डू, एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, वी विल आस्क यू टू सॉल्व, आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढा ये तीनों प्रोडक्ट के लिए एक्स वाई जेड, और मैं अभी से बता रहा हूँ इसमें से वही प्रोडक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है जो सबसे कम लेबर आर लेगा, पहले से मैं बता देता हूं, और यही आएगा देखना आंसर। क्यों? क्योंकि लेबर मेरा की फैक्टर है,
अब देखो इफ यू विल प्रोड्यूस एक्स, ओके, तो एक्स के एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए 4 घंटे की लेबर लगती है, वाई के लिए 3 घंटे की लेबर लगती है और जेड के लिए सिर्फ 2 घंटे की लेबर लगती है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, इवन दो मेरा कंट्रीब्यूशन एक्स का ज्यादा आएगा, बट मेरे लिए फायदेमंद जेड है कि जितने में मैं एक यूनिट एक्स का बनाऊंगा उतने में 2 यूनिट जेड का बन जाएगा। आई होप नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ ई फैक्टर। यस सर। ओके, तो ये बियॉन्ड कंट्रीब्यूशन है। तो पहले हमने एक चीज डिविएट करने की कोशिश करी, हमने प्रॉफिट पे अभी फोकस हटा दिया, अब हमारा फोकस आ गया कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही मेरे को ब्रेक इवन दे रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है, सेल्स एट डिजायर प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं प्रॉफिट को छोड़ दिया। अब मेरे पास और एक दूसरा लॉजिक क्या आ रहा है, दूसरा चीज समझने की बात क्या आ रही है, अब हमको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाई अगर उसमें से भी कोई की फैक्टर आया तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालना है, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो मेरे लिए सबसे फायदेमंद प्रोडक्ट है। ओके, तो आप देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे अभी अपने को पता चलेगा कि ये मेरा की फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन आया था, एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 35, इट इज नथिंग न्यू, अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वाई का 31 एंड जेड का 28 आया था। ओके, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर मैंने देखा तो एक्स का 6.25 आया, वाई का 8 आया और जेड का 11 आया। मैं पहले ही बोला था ना, तो मेरे लिए सबसे फायदेमंद प्रोडक्ट क्या होगा? अभी ऐसे देखने जाओगे तो सब, अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखने जाओगे तो x इज बेटर देन y, लास्ट में z का पोजीशन है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, बट कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर में देखने जाऊंगा तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट z है, फिर y है और लास्ट में x है। मैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या करने की कोशिश करूंगा, z प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद y, उसके बाद अगर मेरे पास लेबर आ रहेगा तो मैं एक्स प्रोड्यूस करूंगा जितना हो सके। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ की फैक्टर। यस सर थैंक यू। ओके, सो नाउ टुडे वी विल डू द सम ऑन की फैक्टर ओनली, सो काइंडली टेक डाउन दिस क्वेश्चन, आई होप यू मस्ट बी हैविंग दिस क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 28. So as per this question, what is there? They have given, these are the unit which has been produced, X, Y, Z. Selling price दिया हुआ है, direct material in kg दिया हुआ है, direct labor in hours दिया हुआ है, overhead in rupees दिया हुआ है, मुझे इसका contribution निकाल के बता। This will be your job. Contribution खुद से निकालो, then we will proceed further.
सर कंट्रीब्यूशन निकालना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालना है? Sorry, I was asking, can you show me these things on your notebook? These answers, what you got in here, the solutions. Only one student got me this solution. Now I will also have to do this. I will also have to solve this. So now. Yeah.
here we will have to start from sales and Osra is going to help us. First we are going to take sales. तब मैंने सेलिंग प्राइस से स्टार्ट किया। हाँ वही सेल्स और सेलिंग प्राइस चलेगा ना बेटा। एंड देन ऑल वेरिएबल कॉस्ट। कितना आया सेलिंग प्राइस? एक्स वाई जेड तीन है ना? हाँ सर 16, 50 and 50। वाई Z, okay? नहीं मुझे टोटल बता दो। अच्छा इसका यूनिट भी दिया हुआ है। अच्छा चलो पहले पर यूनिट चलेगा। X का कितना आया सेल्स? 60 सर। Y का? 55। Z का? 50। डायरेक्ट मटेरियल 20 सर। बच्चे लोग देखो हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस बच्चे ने कंप्यूट किया रहेगा बिकॉज कंज्यूम कितना किया मटेरियल वो दिया हुआ है, उसका रेट कितना है वो दिया है, इसके लिए मैंने आपको बोला था खुद से सॉल्व करने के लिए, जो नहीं करेगा उसको नहीं समझेगा। ओके बेटा डायरेक्ट लेबर 864, इसमें भी आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा 64। वेरिएबल ओवरहेड 7, 13, 8। ये मुझे क्या देगा? कंट्रीब्यूशन सर। कंट्रीब्यूशन ये मुझे कंट्रीब्यूशन दे देगा। कितना आएगा बेटा? 25, 24, 22। देखो बाकी सबको आ रहा है क्या यही आंसर? हाँ सर। यस सर। ओके थैंक यू। अभी यहाँ पे अगर रैंकिंग लेंगे तो दिस विल बी रैंक 1, दिस विल बी रैंक 2 एंड दिस विल बी बेचारा रैंक 3। ओके अभी नाउ मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? की फैक्टर, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट फैक्टर। कितना की फैक्टर पर यूनिट? कितना है? 4, 3, 2। यस सर। बोलिए 4, 3, 2। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर कितना हो जाएगा? 10, 11। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। कितना गया बेटा? 6.25, 8 or 11। 6.25, 8 and 11। अब after this ranking will be what? 11 sir। हाँ तो अभी ranking क्या हो गया? पूरा change हो गया? ये first हो गया। 3, 1।
अरे ये फर्स्ट हो गया बेचारा, ये बंदा सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब इसके हिसाब से मुझे सेल्स प्रोड्यूस करना है, इसके हिसाब से मुझे प्रोडक्शन करनी है। तो मैं सबसे ज्यादा जो लेबर आर है उससे क्या प्रोड्यूस करूंगा, जेड प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। ओके तो बेस्ट सेल्स मिक्स ढूंढने की कोशिश करूंगा इसके बाद। तो आप अल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हो, सबसे पहले Z, फिर Y, फिर X भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो इफ दिस मीटिंग गेट्स ओवर then kindly join with the same login ID password, huh? आप लोग को पता है। और X, Y, Z भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो पहले Z को प्रोड्यूस करूंगा, चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वैसा ही रखो। हम बेस्ट अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। ओके, मैं सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा बेटा, बताओ। जेड, ओके कितना प्रोड्यूस करूंगा जेड?